हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा शुक्ला एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो बजट का रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीएम कुसुम योजना, ये जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसका उद्देश्य जो सोलर पंप है उनको सौर्य ऊर्जा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। और इसमें इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है कि 810 मेगावाट डीसी एवं 675 मेगावाट एसी का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और इस साल बजट में इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट भूजल सर्वेक्षण, भूजल सर्वेक्षण यानी कि ग्राउंड वाटर सर्वे, इसके लिए 187 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद वृक्ष संपदा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस योजना के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो योजना है उसमें निजी भूमि में वाणिज्यिक जो प्लांटेशन होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल साल सागवान जो कमर्शियल क्रॉप प्लांट्स है उनको उगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये योजना लाई गई है और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नवीन जंगल सफारी, नया रायपुर में पहले से जंगल सफारी है जिसके लिए 11 करोड़ का प्रावधान है और ये जो नया बनने वाला है कबीर धाम में उसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, उसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आर्द्र भूमि प्राधिकरण, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, आप लोग बताइए इंडिया में कितने वेटलैंड साइट्स हैं, उसके बाद इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, 10 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, ठीक है, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है जिसका नाम है कौशल्या समृद्धि योजना, इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, 25 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बाल संप्रेक्षण गृह, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई 18 ईयर से कम का बच्चा है, उससे अगर कोई क्राइम हो गया, उसे कोई जुर्म हो गया, तो उसको ठीक है जेल में, उसके लिए एक तरीके का ये जेल होता है, उसमें उनको कई चीज़ें सिखाई भी जाती है और जब वो 18 ईयर्स से बड़े हो जाते हैं तब उनको मेन वाले जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अब इसकी जो आयु है वो 18 से बढ़ा करके 21 कर दी गई है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें मुख्यमंत्री बाल उदय योजना और प्रारंभ की गई है जिसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है और इसके तहत उनको उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। 18 से बढ़कर इसकी आयु कितनी कर दी गई है, 18 से 21 कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको आवास दिलाना, तो इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, 3238 करोड़ का, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत सड़क बनाया जाएगा और 500 करोड़ का प्रावधान है, ये आप अच्छे से याद रखना। उसके अलावा जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग्स है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये एक नई योजना है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ परब सम्मान योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू है, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत क्या होना है कि जैसे जो छत्तीसगढ़ के लोकल फेस्टिवल हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल छेरछेरा हो गया, हरेली हो गया, तो इनको क्या है अच्छे से इसको आयोजित करने के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है जो इंडिया लेवल पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो तो सबको पता रहते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का लोकल फेस्टिवल है उसके बारे में कई लोग नहीं भी जानते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चाक परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, जैसे कि क्या हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था सबको जनरल प्रमोशन के तहत पास कर दिया गया था, तो जो मिडिल और प्राइमरी के बच्चे हैं उनका बेसिक्स काफ़ी वीक हो गया, इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये योजना लाई गई है चाक परियोजना, जिसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, इसके लिए 99 लाख का प्रावधान है। ये योजना क्या है, ये भी योजना नई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मूर्ति जैसे मान लीजिए रुद्र शिव की प्रतिमा है या फिर कोई अच्छा तीर्थ स्थल है, तो उन सब का क्या क्या है प्रतिकृति, प्रतिकृति मतलब एक तरह से मॉडल जैसा उसका लगाया जाएगा, जैसे कुछ कॉलेजेस को चिन्हांकित कर लिया गया, चुन लिया गया और वहाँ पे एक एग्जीबिशन की तरह इसमें किया जाएगा ताकि सबको पता रहे अपनी संस्कृति के बारे में, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो हम लोगों की छत्तीसगढ़ की विरासत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौशल्या महोत्सव, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जिसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान है, और आदिवासी संग्रहालय कबीरधाम, यानी कि जो भोरम देव मंदिर है उसके पास में यहाँ पर एक आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा म्यूजियम जैसा, जिसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, ये योजना किससे रिलेटेड है? जैसे क्या होता है कि जो स्कूल्स की बिल्डिंग है काफ़ी अगर पुरानी हो जाती हैं तो उनका क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज हो जाता है, उन सबको सुधारने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान है कि उनका जो स्कूल का स्ट्रक्चर है जो काफ़ी पुराना हो गया है, ठीक है, उनको, क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, इस योजना के तहत उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, शिक्षकों को जो पढ़ाने के लिए उनको उनका क्या स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसमें क्या है, प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा जहाँ पर उनको टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोटा में क्या होता है, हर साल लाखों विद्यार्थी वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पर जो हॉस्टल की फीस है वो काफ़ी महंगी है, सबको पता है, ठीक है, लगभग अगर आप एक महीने का देखें तो 8, 10, 11, 12, अब तो और महंगा हो गया होगा, तो काफ़ी महंगा है वहाँ पर हॉस्टल। सो जो छत्तीसगढ़ सरकार है वहाँ पे यहाँ के जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करेगी, उसके लिए क्या है, वहाँ पे हॉस्टल बनाया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, कई स्कूल खोलने का भी यहाँ पर है कि 10 हाई स्कूल, 18 हायर सेकेंडरी, उसके लिए कितने करोड़ का है, 30 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दी जाती है STSC के जो विद्यार्थी हैं उनको दिया जाता था 1000, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, उसको 1500 कर दिया गया है। उसके अलावा जो भोजन सहाय योजना में 700 प्रति माह दिया जाता था उसको भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1200 रुपीज़, ठीक है, 1200 रुपये, तो ये आप अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान योजना। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो छत्तीसगढ़ फेस्टिवल के लिए था, जो कि गैर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए था। अब यहाँ पर जो आदिवासियों के द्वारा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नवाखाई हो गया, ठीक है, जो बेसिकली आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसके तहत 5 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये भी जो STSC OBC के बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इसमें पढ़ने के लिए उनको यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके अलावा देखिए, वन अधिकार अधिनियम, यानी कि ये जो वन अधिकार अधिनियम है इसका प्रॉपर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो, संचालन हो, इसके लिए समितियों को अनुदान दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद जो पत्रकार होते हैं उनके लिए जो उनका आवास है उनके निर्माण के लिए उनको हेल्प किया जाएगा, उनको अनुदान दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल होम लोन जो रहता है वो जनरली 7% से ऊपर ही रहता है, तो उनको क्या है, थोड़ा परसेंटेज कम कर दिया जाएगा, तो 25 लाख तक का अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें उनको अनुदान दिया जाएगा, और इसके लिए बजट भी कितना है, 50 लाख का प्रावधान है। उसके बाद देखिए, जो पुलिस विभाग है वहाँ पे कुछ नवीन उपकरण यहाँ पे बनाए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे, ठीक है, जो पुलिस विभाग है उनके उसके काम को सुधारने के लिए वहाँ पर आवश्यक नवीन उपकरण की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए कितना प्रावधान है, 91 करोड़ 92 लाख, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंचाई योजना, इसको हम जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लीजिए कि बजट में कितना अनाउंस किया गया है कि इतना जो काम है वो भी किया जाएगा। तो वृहद जो है वो 218 और मध्यम जो सिंचाई परियोजना है 75 हो गए, और उसके अलावा लघु परियोजना जो है वो 840, तो ये आप नंबर्स को है बस याद रख लीजिएगा, बाकी इसको इकोनॉमिक सर्वे में हम डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हवाई पट्टी। बैकुंठपुर में हवाई पट्टी स्टार्ट किया जाएगा, और कोरबा में व्यावसायिक हवाई अड्डा खोला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब न्यायालय की बात की गई है, तो ये यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो व्यावसायिक हवाई पट्टी है वो कहाँ, हवाई अड्डा है वो कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, सो कोरबा इज द राइट आंसर। इस तरीके से जो इसको है आप MCQ में याद रखिएगा। अब उसके अलावा जो न्यायालय है, न्यायालय यानी कि कोर्ट है, हर कुछ अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डिजिटलाइज हो जा रहा है, मतलब डिजिटल वे में हो जा रहा है, अब जो ऑफलाइन लिखा पढ़ी होती थी सब चीज़ को धीरे धीरे करके डिजिटल फॉर्मेट में किया जा रहा है। सो जो न्यायालय है उनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 57 नवीन न्यायालय, यानी कि इतने नए कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसके लिए 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट के अकॉर्डिंग कितने नए न्यायालय बनेंगे, तो 57। उसके बाद देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खेल को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है,
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया इस बार के बजट में। और जो रायपुर है वहाँ पर तीरंदाजी खेल अकेडमी, तीरंदाजी मतलब क्या होता है, आर्चरी, ठीक है, तीर धनुष सबको पता होगा आप लोगों को। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो ये तीरंदाजी है उसको राजकीय खेल के रूप में प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि ये जो यहाँ पर है, लेकिन आप लोगों ने एक बार करंट अफेयर में भी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए वन गेम के हिसाब से क्या घोषित किया गया था, तीरंदाजी। तो ये आप याद रखिएगा कि रायपुर में ये खेल अकेडमी बनाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो बैडमिंटन अकेडमी अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, यहाँ पर बैडमिंटन अकेडमी भी खोला जाएगा रायपुर में। उसके अलावा यहाँ पर मलखम अकेडमी यानी कि मलखम, अगर आप देखेंगे तो योगा जिमनास्टिक जैसा एक स्पोर्ट्स है, इसको कहाँ खोला जाएगा ये अकेडमी, ये नारायणपुर में खोला जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुनकुरी में यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स खोला जाएगा, और उसके अलावा झीरम में स्पोर्ट्स अकेडमी। तो ये स्पोर्ट्स वाले ये 3-4 हैं, इसको आप याद रखिएगा कौन कौन से प्लेस में कौन कौन से अकेडमी खुलने वाले हैं। और इन सब के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, 3,70,00,000 रुपए का इसमें प्रावधान है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ये काफ़ी करंट अफेयर में चर्चित टॉपिक रहा है, सो इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर खारून नदी, ठीक है, खारून नदी कौन कौन से जिलों में बहती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए इसमें क्या बनेगा, रिवर फ्रंट बनेगा, और इसमें इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, 10 करोड़ का प्रावधान है। नेक्स्ट यहाँ पे राम वनगमन पथ योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, राम वनगमन पथ, जो कि राम जी जो अपने वनवास के दौरान जहाँ जहाँ से वो गुजरे थे उन सभी को क्या है कनेक्ट किया जा रहा है इस योजना के तहत। तो इस साल के बजट में इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। उसके अलावा रायपुर से शारदा चौक तक यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए, 10 करोड़ का प्रावधान है। उसके अलावा जो ग्रामीण मार्ग बनेंगे उसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जिसके तहत जो सड़कें हैं वो बनेंगी, इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। और छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति है इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, 150 करोड़ का। और उरला में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा जिसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर प्लास्टिक पार्क स्थापित होने वाला है, सो उरला में प्लास्टिक पार्क स्थापित होने वाला है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री धरोहर योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यू स्कीम है। इसके तहत क्या होने वाला है कि जैसे कुछ कॉलेजेस को या फिर स्कूल को चिन्हांकित कर लिया जाएगा, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो तीर्थ छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल हो गए या फिर जो साइट्स हो गए, ठीक है, घूमने वाले जो पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं, वहाँ पर उनको जो संस्कृति विरासत है छत्तीसगढ़ की वहाँ पर उनको घुमाया जाएगा, और ये पूरा जो फंड होगा वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये आप याद रखिएगा, इसका इसमें धरोहर मित्र भी अपॉइंट किए जाएंगे जो कि एक तरह से टूरिस्ट गाइड होंगे, जो कि उनको गाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भोरमदेव मंदिर ही हो गया, और ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर के बच्चे वहाँ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कबीरधाम में कोई कॉलेज है तो वहाँ के बच्चों को वहाँ दिखाया जाएगा, इससे क्या होगा कि वो अपने छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अभी यहाँ पर जो महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा, और एक एक भवन जो है वो 4 करोड़ में बनाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर महाविद्यालय का भवन बनाया जाएगा, तो उसमें याद रखिएगा महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, 4 यहाँ पर अंग्रेजी महाविद्यालय बनाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 10 जिलों में, जैसे अभी क्या चल रहा है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का, ठीक है, इतने सारे स्कूल बनाए गए, ठीक है, अभी आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इस नए बजट में कितने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम घोषित किए गए हैं। उसी के तर्ज पर यहाँ पर अब इंग्लिश मीडियम के का कॉलेज भी खोला जाएगा, जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस को चुन लिया जाएगा और उसमें इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनाया जाएगा। तो 10 जिले हैं, कौन कौन से हैं, 10 जिले हैं रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, जगदलपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं अंबिकापुर। तो ये आप याद रखिएगा कितने जिलों में बनने वाला है, 10 जिलों में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंदिरा कला विश्वविद्यालय में क्या होता है, देश विदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए नया रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कितने नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, तो वो 23 मानवीन महाविद्यालय खोला जाएगा, ठीक है। ये जो रायगढ़ है ये इन 10 कॉलेजेस का है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर
राज्य रिसर्च से फेलोशिप योजना, ये भी एक नई योजना है, ये भी यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिरपुर विकास प्राधिकरण, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिरपुर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है छत्तीसगढ़ का, तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये विकास प्राधिकरण स्टार्ट किया जा रहा है जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। उसके अलावा यहाँ पे जो नया रायपुर है वहाँ पे उसे एरो सिटी है वहाँ पर डेवलप की जाएगी जिसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है, और जो नया रायपुर है उसको कमर्शियल हब की तरह ठीक है बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी भत्ता, यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, जो भी बेरोजगारी भत्ता वाले योजना के अंतर्गत आ रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए, उनको जो प्रशिक्षित करने के लिए ये योजना लाई गई है जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 36 ITI कॉलेज को सिलेक्ट किया गया है जिसको कि टेक्नोलॉजी हब के रूप में किया जाएगा ठीक है, इसको बनाया जाएगा जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। अब यहाँ पर 2 नया ITI घोषित किया गया है कि 2 नया ITI बनाया जाएगा जो कि एक है रायगढ़ में और दूसरा है दुर्ग में, तो ये आप याद रखिएगा इस बजट के अकॉर्डिंग कितने नए बनने वाले हैं ITI, तो 2 नए ITI बनने वाले हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पर समाज कल्याण से रिलेटेड है जैसे कि सियान हेल्पलाइन सेंटर जिसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना के तहत जैसे मान लीजिए जो सीनियर सिटीजन है या फिर मान लीजिए उभयलिंगी यानी कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं ठीक है थर्ड जेंडर हो गए, और जैसे कोई विधवा हैं जो असहाय हैं उनको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर होगा जिसमें कि वो कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, तो उसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद देखिए नवा पिलहर योजना, ये किसके लिए है, ये बेसिकली उभयलिंगी यानी कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनके लिए है जिसके लिए 25 लाख का प्रावधान है। इस योजना के तहत बेसिकली क्या होगा कि जैसे जो ये उभयलिंगी है यानी बाइसेक्सुअल हैं इनको जॉब के लिए ठीक है प्रमोट किया जाएगा, और जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाएगी ताकि उनको कोई ना कोई वो रोजगार वो ले। उसके बाद यहाँ पर जो PWD है यानी लोक निर्माण विभाग है उसके उसमें यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 7,651 लाख का इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए धान खरीदी, आप लोग जानते हैं धान खरीदी छत्तीसगढ़ में कब से कब होती है, 1 दिसंबर से लेकर के शुरू होता है इस साल, लेकिन 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था, 1 महीने पहले से स्टार्ट हो गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या याद रखना होता है कि इस साल कितनी खरीदी की गई, इसको भी हम इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देख लीजिए इस साल का जो लक्ष्य था वो 110 लाख मीट्रिक था और अभी कितनी खरीदी की गई है 107.53, ये आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने किसानों से खरीदी की गई है तो 23,41,935। उसके अलावा जो लैंड है कितने टोटल लैंड था तो 30.14 लाख रकबा, यानी कि यहाँ पर क्षेत्र की बात की जा रही है, और टोटल खरीदी केंद्र कितने थे 2,497 ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इतना ही था ये जो पूरा बजट का, अब इसके बाद हम कुछ MCQs सॉल्व करेंगे, तो आप जो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है अच्छे से सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिए, और ये जो PDF है ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके MCQs देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद है जितना भी हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए राम वन गमन पथ योजना, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके बाद मलखम अकेडमी ये कहाँ शुरू किया जाएगा, कौन से ज़िले में शुरू किया जाएगा, बस्तर नारायणपुर कांकेर रायपुर, फटाफट आप लोग आंसर करिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत क्या है आवास दिलाया जाएगा, ठीक है आवास जैसे कि मान लीजिए वो घर बना रहे हैं तो उनमें ठीक है 2 लाख 2.5 लाख इस तरीके का गवर्नमेंट जो है वह हेल्प करती है, इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितने टोटल 3 MCQs है जिसका कि आप लोगों को आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।